गुरुदेव, प्रश्न है जिस पर गैर हिंदू लोग हिंदू धर्म पर अक्सर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि भगवान शंकर ने जब भगवान गणेश का सिर काटा था तो फिर एक तो वो कैसे पहचान नहीं पाए कि वो उनका पुत्र है, और दूसरा जब उन्होंने लगाया भी उनको हाथी का सिर तो वो जो हाथी था पुत्र वो भी तो किसी माता का पुत्र था, तो उसका क्या हुआ? और वो उन माता के साथ भी तो गलत हुआ, तो इसको लेके यदि कुछ प्रकार से कुतर्की लोग जो है हमारे अनेकानेक ग्रंथों के वर्णन पर उंगली उठाते रहते हैं। परमात्मा जो जीवन दान देता है उसे जीवन लेने का भी अधिकार है, पहली बात तो ये, क्योंकि हमने अपनी छोटी बहन को मिठाई का डिब्बा दिया किसी खुशी में, अब मिठाई का डिब्बा दिया कि सबको बांट के खाना है, अब वो नहीं खा रहा, तो फिर ऐसी परिस्थिति में अगर हम छुड़ाएं तो पाप नहीं, क्योंकि हमने ही दिया, और हमने ही दिया तो हमने ही ले लिया, तो ये पाप की श्रेणी में नहीं आता। ऐसे ही हमारे परमात्मा ने जब जीवन दान दिया तो जीवन लेने का अधिकार भी, क्योंकि जब वो जीवित कर सकते हैं उसी को अधिकार है जीवन लेने का जो जीवित कर सके। दूसरा, आपने एक तर्क के साथ प्रश्न किया कि जो है किसी का माँ का तो वो भी बेटा है, तो किसी के माँ के बेटे का शीश काटना पाप की श्रेणी में, लेकिन अपने पुत्र को पहचाना नहीं, ऐसा नहीं है। अपने पुत्र को पहचाने ना, ऐसा कैसे हो सकता जो पूरी दुनिया को पहचानते हैं, पूरे विश्व को पहचानते हैं, ये कहना सिर्फ कुतर्क की बात है, तर्क की बात नहीं, ये कुतर्क की बात है। तो पहचाना नहीं, पहचाना तो है, लेकिन उस परिस्थिति में जो उचित लगा, उत्तम लगा कि हमको रोक रहे हैं, हम घर के मालिक हैं, उस उत्तम विधि पर उन्होंने ये प्रयोग किया कि भले ही पुत्र क्यों ना हो पर वो अनाज्ञा का पालन करते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, तो वह बध योग्य है, तो बध करके उन्होंने वहां पर वह स्थापना कर दी कि आज्ञा का पालन नहीं किया माता पिता की, पिता की आज्ञा को टोक दिया। दूसरा, अब उन्होंने ये धर्म भी निभा लिया, लेकिन दूसरा धर्म निभाना था जब माँ ने बताया कि आपने बहुत गड़बड़ कर दिया, इसने इसको तो हमने आज्ञा दी थी, तब पर दूसरा पिता होने का फर्ज भी निभा दिया कि उसको जीवंत भी कर दिया। तो अपनी धर्म की स्थापना, सनातन की स्थापना यही व्यापकता है कि इस सनातन में जो जीवन देते हैं उनको जीवन लेने का अधिकार है। अब एक जगह तर्क है, एक संत बोले कि आप कहाँ से रहते हैं, उनका गड़ा में रहते हैं, बोले गाँव में तो बलि प्रथा बहुत है, उनका बिल्कुल है, और गाँव में देवी देवताओं को बलि दी जाती है, बलि के नाम पर काटा जाता है। अब दो दृष्टि हैं इसमें, एक दृष्टि है कि गलत बात है, जो परमात्मा दूसरों को जीवन दान देता है उनके सामने काटा जाता है, लेकिन जब हमने काटने वालों को पूछा कि यार ये तो गलत है, भगवान तो जीवन दान देता है, अभय दान देता है, और आप जो है मारते हो, तब बड़ी अद्भुत बात कह दी कि एक संत ने बहुत अद्भुत विचित्र बात कह दी, वो सुनकर के हमने भी कभी वो दिमाग नहीं लगाया, बोले परमात्मा प्रकृति की व्यवस्था भी ऐसे ही करवाता है, चूहा किसका भोजन, बोले सांप का भोजन, तो अब नहीं तो चूहे ही चूहा पड़ जाएंगे, उसके ऊपर एक लगा दिया सांप, सांप के ऊपर मयूर लगा दिया, तो एक के ऊपर एक लगा दिया, वैसे ही भगवान शंकर ने वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जो धर्म के खिलाफ हो। ये कुतर्क योग्य बातें हैं, केवल कुतर्क किया जा सकता है, इसमें कुतर्क ये भी कर सकते हैं, कई लोग तो कुतर्क ये भी कहते हैं माता जानकी जी को दो बार वन क्यों दिया, एक बार वन मिला था तो राम जी के साथ में वो गई थी, राम जी को वन मिला था तो वो साथ गई थी, इन्हें वन मिला तो राम जी को जाना चाहिए, ये कुतर्क योग्य बात है, व्यक्ति अंदर तक नहीं गया। इसी प्रकार भगवान शंकर के उस प्रसंग में उन्होंने यहाँ पर पिता होने का फर्ज निभाया, जब माँ ने कहा कि आपने अपने लालू को काट दिया, हमारी आज्ञा थी कि कोई अंदर न आए, तो वो अपने धर्म पर था, तो भगवान शंकर ने वहाँ अपने लालू को पुनः जीवित कर, अगर वो नहीं करते तो धर्म जाता, तो भी तो धर्म जा रहा था, तो धर्म की स्थापना, हमें नहीं लगता कि भगवान शंकर ने ये ऐसा कोई कार्य किया जिससे उंगली उठे, अपितु उन्होंने जीवन दिया तो उन्हें जीवन लेने का अधिकार भी। दूसरा, कभी लोगों ने ये तो जाना ही नहीं कि वो हाथी का धड़का हुआ क्या, या भगवान गणेश का शीश गया कहाँ, वो भी तो कभी नहीं जाना, धड़का क्या हुआ, वो शीश कहाँ गया, और कई लोग प्रश्नोत्तरी में चलाते हैं कि सुपनका की नाक कान कहाँ गए, वो गणेश का शीश कहाँ गया। तो एक संत हमको बताते थे कि भगवान शंकर जो है, जो धड़ अलग किए थे और जो शीश लाए थे उसको पुनः उन्होंने जोड़ा भी। हमने कहा कैसे, तो एक संत ने हमें समझाया, बोले भगवान शंकर महादेव हैं, ये कभी किसी जीव का अहित नहीं कर सकते,
तो वर्तमान परिस्थिति को पूर्ति करने के लिए शीश हाथी का काटा और काट करके गणेश के बनाया, अपने पुत्र के मस्तक पर लगाया और गणेश बनाया, लेकिन जो धड़ केवल धड़ बचा था उसको भी अपनी कृपा से पुनः पूर्ण किया। तो जिस माँ के शीश को, बेटा के शीश को काटा था, वो जब वापस गया तो ज्यों का त्यों ही गया। एक जगह कल्याण पुस्तिका में कल्याण अंक निकलता है तो ऐसा वर्णन आया। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रभु ने अहित नहीं किया।